brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. गृहमंत्री अमित शाह बड़ौदा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हेमंत जोशी जो कि बीजेपी कैंडिडेट है उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। सर, किस प्रकार से इस बार का चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है? सर देखिए, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और गुजरात की 26 के 26 सीटों पर हम विजयी बनने जा रहे हैं। सर, केंद्रीय मंत्री रूपाला राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, कल उन्होंने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री का विरोध क्यों कर रहे हैं, मैंने माफ़ी मांगी है मेरे बयान को लेकर, आप उनके बयान को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे क्या करना है सर, आप किस तरह से वो बयान को देख, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रोश लोग उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी। सर, खास करके आज जब प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं वलसाड़ में, तो उन्होंने भी कहा है कि गुजरात में जो सरकारी नौकरियां हैं उपलब्ध नहीं है, वो जब आएंगी तो आदिवासियों के लिए उनकी सरकार काम करेगी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वो सवाल कर रही हैं। भैया वो और क्या कर सकती है, हमारा समर्थन करेगी क्या? सर, गुजरात के अंदर सर बात करें तो ओलंपिक को लेकर भी सर दावेदारी की जा रही है भारत की तरफ से, 2036 ओलंपिक को लेकर भी दावेदारी की जा रही है। सर, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि यहां पे भी हम देख रहे हैं उसकी झांकी देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खास करके पुरुषोत्तम रूपाला ने जब पीएम ने माफ़ी जब उन्होंने माफ़ी मांगी है और पीएम का विरोध क्यों किया जा रहा है, इस बात को लेकर भी उन्होंने लोगों से अपील की है, तब अमित शाह भी कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है।